गाइस, ये एक मेडिशियन का पौधा है। हालांकि मैं इसके बारे में फुल डिटेल से बता नहीं सकता, इसका यूज़ किस जगह पे होता है, कैसे क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो इसके जो फूल होते हैं ना, काफ़ी यूनिक सा इसमें फूल सा निकलता है, जिस फूलों को श्री महादेव, जो हमारे जो बड़ा मोस्टली जो हमारे जो देवता होते हैं हिंदू धर्म में, शिव जी, उनके ऊपर समर्पित की जाती है इन फूलों को। मतलब ये फूल चढ़ावा में, चढ़ावा के तौर पर चढ़ाए जाते हैं इनके फूलों को। ये देखिए, लाल तरह का कुछ इस तरह से इनके फूल लाल लाल से खिलते हैं, काफ़ी अच्छे और यूनिक से फूल इससे निकलते हैं। और तो और इसका कुछ मेडिसिन के तौर पर यूज़ भी होता है। इसके पत्ते देख सकते हैं, सूखे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी जो इसका जो नेचुरली पौधों का जो आप देख सकते हो, किस तरह इसके पत्तियां काफ़ी कोमल सी होती है। और एक तरह से मतलब इसमें खास तौर से कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। जो इसके जो पत्तियों और तने से जो वो निकलता है, दूध जो निकलता है ना, वो अपने आँखों में पड़ने मत देना कभी भी। जब भी आप फूल को तोड़ रहे हो या तो कुछ भी कर रहे हो या तो मेडिसिन के लिए ले रहे हो, तो इसके जो दूध होता है ना, वो आँखों में पड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो आप मतलब मनुष्य के लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है आँखों के लिए। हो सकता है किसी की आंखें यदि वीक हो तो उसकी आंखें, या तो अंधा भी हो सकता है। इसके इसके जो दूध होता है ना, जो अंदर से जो निकलता है दूध, वो काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।